माँ सर्वेश्वरी तुम पाहि माम शरणागतम। नमस्कार मित्रों, मैं पंडित देवेश पंडा ज्योतिषाचार्य तंत्र विशेषज्ञ। मित्रों, आज मैं आपके समक्ष दांतों से जुड़ी कुछ तथ्यों को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यदि आपके दांत के बीच में गैप दिखाई देता है या आपके दांत बाहर की ओर निकले हुए दिखाई देते हैं, अक्सर आपने देखा है कई लोग के दांत बाहर की ओर निकले या हंसते हैं तो उनके दांत बाहर दिखाई देने लगते हैं, ये स्थिति क्या दर्शाती है? क्योंकि ऊपर वाला हमें जो मानव शरीर दिया है उसमें भी कई सारी निशानी दिया है जिसके द्वारा हम समझ सकते हैं कि वो हमें क्या इंडिकेट करना चाह रहा है। जैसे शरीर में कहीं पे तिल होना, शास्त्रों के द्वारा गणों के अनुसार हम ये बता सकते हैं कि तिल हमें क्या फायदा देगा, क्या नुकसान देगा। हाथों में जो लकीरें होती है उन्हें हस्तरेखा शास्त्र से पढ़ के हम ये जान सकते हैं कि हमारा भविष्य कैसे जाने वाला है। उसी प्रकार शरीर में और विभिन्न जो निशानी बने हुए हैं उससे समुद्र शास्त्र के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि उन निशानियों का हमारे जीवन काल में क्या संबंध है। उसी प्रकार दांतों का भी हमारे जीवन काल में बहुत गहरा संबंध है। दांतों के जरिए भी हम मानव की मनुष्य की बहुत सारी विशेषताओं के बारे में पता लगा सकते हैं, उनकी आदतों, उनकी विचारधाराओं के बारे में जान सकते हैं और उनके कल को समझ सकते हैं। तो ये सब बताने से पूर्व आप लोगों से विनम्र निवेदन, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ में एक बेल आइकॉन का बटन दिया है उसको भी स्पर्श कर दें जिससे कि मेरे वीडियो समय रहते आपको मिल जाया करें। अब मैं आपको बताता हूँ कि दांतों के बीच यदि किसी व्यक्ति के दांतों के बीच में गैप दिखाई देता है, वैसे तो सुंदर दांत सबको पसंद है भरे हुए, ताकि जब वो किसी से बात करें तो उनका चेहरा आकर्षक और सुंदर दिखाई दे। दांतों का बहुत बड़ा रोल होता है चेहरे को आकर्षक बनाने में, और यदि दांतों के बीच में गैप होगा तो जनरली लोग काफ़ी शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब वो हंसते हैं या किसी से बात करते हैं। तो ऐसा नहीं है, इसके पीछे भी ऊपर वाले का कुछ इंडिकेशन है जो वो आपको देता है। शरीर में बहुत सारी निशानियों के पीछे ऊपर वाला कुछ ना कुछ इंडिकेशन दिया हुआ है, समझने की जरूरत है। शास्त्रों में सबका विस्तार रूप से वर्णन है, हस्तरेखा में बात करें, ज्योतिष में बात करें, तो ये एक बृहद सब्जेक्ट है। इन सब्जेक्टों को आप अच्छे से अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके शरीर के विभिन्न अंगों में उपस्थित विभिन्न निशानियों के जरिए भी आप बहुत सारी चीज़ों का गणना कर सकते हैं। तो उसी प्रकार यदि आपके दांत के बीच में गैप है, ऐसा व्यक्ति भाग्य का धनी होगा, आर्थिक स्थिति हमेशा अच्छी रहेगी, आय के बहुत सारे स्रोत उसके बने रहेंगे विभिन्न स्रोतों के जरिए उसका जीवन काल में आया हुआ, और ऐसा व्यक्ति हमेशा उच्च पद पे आसीन मिलेगा आपको जीवन काल में। उसी प्रकार यदि उसके दांत बाहर की ओर निकले हुए तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा क्रोधी हो सकता है और ज़्यादा बात करने वाला हो सकता है, लेकिन ऐसा व्यक्ति भी भाग्यशाली कहलाता है। भाग्य के जरिए उसके जीवन काल में उसको बहुत कुछ मिलता है। तो दांतों के जरिए भी, इन स्थिति को जरिए भी हम ये गणना कर सकते हैं कि भविष्य में जातक के साथ क्या होने वाला है। तो इसके साथ मैं ही आपसे विदा लेता हूँ। जय माता दी। नमस्कार मित्रों।